आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु वर पान कृपा वरदा, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु वर, महिमा गाए तेरी प्रभु वर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर लोयोला के संत इग्नेशियस पुरोहित की स्मृति करते हैं। जिस प्रकार इग्नेशियस ऑफ लोयला, उन्होंने अपने जीवन काल से प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित किया, उनके द्वारा वह हमेशा संचालित रहे, उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत मान्य रखती है और वे हमेशा कहते हैं कि ईश्वर हमारा संरक्षक है, वही हमारी ढाल है, वही हमें साहस देता है, बल देता है, शक्ति देता है। जिस प्रकार इग्नेशियस ऑफ लोयला ने अपने जीवन काल में प्रभु पर श्रद्धा रखी, प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हुए पूर्ण भरोसे के साथ में उन्होंने जीवन व्यतीत करा, हर छोटी सी छोटी परेशानियों में उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा। आइए हम भी अपने जीवन काल में प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करें, जिस प्रकार इग्नेशियस ऑफ लोयला हमें बताते हैं कि हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। आइए हम हमारे गुनाहों को, हर परेशानियों को, हर विपत्तियों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से बल मांगें, प्रभु से स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से संरक्षण मांगे कि हम प्रभु की छत्र छाया में रहे, प्रभु के अनुपम विश्वास में हमेशा परिपक्व बने रहें। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु की वेदी पर अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयला के संत इग्नेशियस को चुना था, इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्गिक मुकुट प्राप्त करें। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को गोले जी साफियों की रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 और 8-17। जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोगे ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों के संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे प्रभु राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर हम पर दया कर और हमें आशीष दे, हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य, हे ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता है और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य, हे ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य, हे ईश्वर राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। जय घोष, आलेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है।
हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में योहन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गए, उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत इग्नेशियस ऑफ लॉयला का पर्व मनाते हैं, उनकी स्मृति करते हैं। आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वर का कार्य हमें किस योग्य बनाता है, ईश्वर हमें किस योग्य बनाता है। ईश्वर अपने कार्य के द्वारा हमसे अपने आप को प्रमाणित करने का आह्वान करता है। आज के दोनों ही पाठों को जब हम योग्य रीति से सुनते हैं तो हम प्रभु के उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा, उसके बारे में हम प्रथम पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु के निर्धारित नियमों के और कायदों के कानूनों के अनुसार हर चीज की एक व्याख्या दी जाती है और लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किस प्रकार दास को मुक्ति मिलेगी। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार राजा हेरोद योहन बपतिस्ता को मारना चाहता था, क्योंकि वह उसको कह चुका था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जनता योहन को एक नबी के तौर पर देखती है। और जहाँ तक कहा जाता है कि हेरोद भी योहन का आदर करता था, क्योंकि वह एक नबी के रूप में योहन को मानता था। और जब प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु के जब बारे में वह सुनता है तो वह कहता है कि योहन फिर से जी उठा है, योहन फिर से आ गया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, योहन की मृत्यु एक ऐसी मृत्यु है जो कि सभी लोगों को चकित कर देने वाली मृत्यु है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि हेरोदियस की पुत्री एक नृत्य करती है और सबको एकदम लुभान्वित कर देती है, लुभा लेती है, और राजा एक सिंहासन पर बैठकर भावुक हो जाते हैं और वे वहाँ से ऐलान कर देते हैं कि बेटी जो भी तुम मांगोगी तुम्हें वह दे दिया जाएगा, भले ही तुम मेरी आधी संपत्ति क्यों ना मांग लो। और सुसमाचार में हम पाते हैं कि उस बेटी को उसकी माँ ने अच्छे से समझा के रखा था कि मुझे क्या चाहिए, और वह बेटी तुरंत कहती है कि मुझे योहन का सर चाहिए, योहन का सर। और जब हम इसके और
नज़दीक अगर सोचने की कोशिश करेंगे, इसको और पढ़ेंगे, इसके आजू इसके पीछे और इसके आगे वाले पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह कोई आसान बात नहीं हुई है, यह दिल दहलाने वाली बात हुई है, यह सबको चकित कर देने वाली बात हुई है। एक तरफ आत्मसम्मान और दूसरी तरफ ईश्वर का सम्मान, ईश्वरी कार्य। जहां आत्मसम्मान की बात हम करें तो हेरोद उस आत्मसम्मान, क्योंकि उसके पास में कई अतिथि लोग थे और वह अपने वचन को ही अपना शासन मानता था, जब उसने वचन दे दिया तो वह उसके विरुद्ध नहीं जा पाया। हाँ क्रिस्ट में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन एक सशक्त और दुधारी तलवार के सदृश है, जो लोगों को भेदता है, जो लोगों को हर्ट करता है, जो उनको सोचने के लिए मजबूर करता है। प्रभु के वचन पर चलना इतना आसान नहीं है। प्रभु के वचन को सुनना, उसको पालन करना, उसको अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है, जैसा कि हम योहन के जीवन में देखते हैं। वो सत्य की डगर पर चलता रहा, वह पश्चाताप का बपतिस्मा देता रहा, वह लोगों को सत्य सिखाता रहा और ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए वह हमेशा प्रेरित करता रहा। लेकिन उसको अचानक ही उसका सर अलग कर दिया गया, उसे मार दिया गया। हाँ क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इग्नेशियस ऑफ लॉयला के विषय में सुनते हैं तो कहा जाता है कि हमारे जो पुरोहित भाई हैं उनके मध्यस्थता के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उस सत्य को पहचानने की शक्ति मिलती है, उस सत्य पर चलने की शक्ति मिलती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों को, न्यायकर्ताओं को नहीं स्वीकारा, उन्होंने उन्हें मार डाला, और वैसा ही तुम उनके साथ करते हो जो ईश्वर के वचन को सुनाता है, उस पर चलता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु येसु का भी अपने ही नगर में आदर नहीं होता है, अनादर होता है, बल्कि वह उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, वह प्रश्न करने लग जाते हैं, ये कौन है, इसकी ये क्या बड़ाई नहीं है, क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहती, क्या इसका भाई ये नहीं है, क्या मरियम का पुत्र नहीं है। लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और जहाँ विश्वास की कमी होती है हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ चमत्कार भी नहीं दिखा पाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सत्यता को पहचानें, हम उस सत्य पर चलने के लिए चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, हम प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु हमारी ढाल बनेगा, प्रभु हमारा कवच बनेगा और प्रभु ही हमें आनंद जीवन प्रदान करेगा। के पासम पधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे, इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, वस्तु के साथ कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए आते हैं दिल हम समा कर, तुझको चढ़ाने को आए आते
दिल हम समा गए। देवी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। देवी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु ईश्वर, संत इग्नेशियस के स्मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत या पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप से पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र येशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर क्वारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु येशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। हम कुशन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ युगानि युग ते राही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी दहक उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने संत इग्नेशियस के आदर में यह स्तुति याग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना।
छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, मरिया कृपा भंडार खोल देना, मरिया कृपा भंडार खोल देना। माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।